हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। एसएससी एमटीएस का पेपर अभी छूटने वाला है थोड़ी देर में। सेकंड शिफ्ट का बच्चा ही बाहर आएंगे निकल के, देखेंगे आज का पेपर कैसा रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा या फिर हार्ड रहा। तो बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली है लगातार कंटिन्यू। क्या नाम है आपका? अनम फातिमा। कहाँ से हैं? न्यू दिल्ली से। कैसा रहा आज का पेपर? पेपर अच्छा था, मैथ्स ठीक ठाक था। अगर लेवल की बात करें तो इजी था, मॉडरेट था, इंग्लिश काफी इजी था, अगर आता है तो निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मैथ को लेकर तो मैथ का कैसा रहा? मैं मोस्टली मैं मैथ अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, पर जिसको मैथ आती है पेपर बहुत इजी था। अगर ऑल ओवर जैसे कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं नहीं, सब इजी था। बस हाँ, बाहर लैब का जो मेन वो था ना, जहाँ पे ये नंबर्स लिखे होते हैं, वो गलत प्रिंट थी। और जो अभी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ऑल द बेस्ट मेरे पेरेंट्स। कहाँ से? सुकरावली, अलीगढ़ से। अलीगढ़ कैसा रहा आज? अच्छा, काफी अच्छा हुआ। मैथ का मैथ्स का 15 मिनट में हो गया था मैथ्स और रीजनिंग मेरा। मैथ और रीजनिंग 15 मिनट में हो गया? बहुत इजी आ रहा है मैथ्स और रीजनिंग, आराम से कर लेगा इसने। एक बार जिस बच्चे ने भी एक दो बार कोर्स किया है वो इजीली कर लेगा। और जीएसबी मतलब ये है कि अगर तुमने एक दो बार पढ़ी है तो तुम 13-14 क्वेश्चन बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। इंग्लिश तो वही है कि अगर तुमने कोर्स अच्छे से किया है, वोकैब वगैरह अच्छे से किया तो कर लोगे। इससे पहले कोई पेपर दिया? सीजीएल दिया है। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम ना, कोई नया क्वेश्चन है, कुछ सेम ही पुराने पैटर्न का ही सारे। पीवाईक्यू तुमने किए होंगे, मुकेट लगाए होंगे, उसी के जैसा था या कुछ चेंज? पिनेकल वगैरह इसी के जैसा क्वेश्चन आ रहे सब। करंट अफेयर से कब तक के क्वेश्चन? करंट 2023 का है। बात करें तो आपकी जो प्रिपरेशन की, तो आप कैसे प्रिपरेशन की आपने, ऑनलाइन या फिर? मैंने ऑनलाइन ही किया है। ऑनलाइन था। इसके अलावा कोई और प्लान आपका एग्जाम देने का? अभी तो मेरा मेन टारगेट है सीजीएल। मतलब सीजीएल का ठीक ठाक आपका हो गया? हाँ, अच्छा खासा हो गया है, 150+ बन जाएंगे उसमें मेरे। अच्छा, तो कहाँ से सीजीएल के लिए कहाँ से टारगेट किया? मैंने अभिनय मैथ्स से किया था, मतलब मैथ्स ही किया है, और रानी मैम करके एक टीचर है, उनसे मैंने इंग्लिश किया, बाकी सेल्फ ही किया सारा। स्टूडेंट देख रहे हैं वो किन किन पॉइंट को ध्यान रखें जो पेपर देते हैं? वो जीएस को जितना हो सके उतना रिवाइज करें, इंग्लिश तो इंग्लिश में वोकैब अच्छे से कर लें, बस यही है। थैंक यू। क्या नाम हो मैम? अमीशा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट। कैसा रहा ऑल ओवर? ठीक था, एग्जाम तो अच्छा था। कितने क्वेश्चन किए थे? मैंने 45 जीएस और इंग्लिश। और बाकी सेकंड दूसरे सेक्शन में कितने किए थे? दूसरे में भी क्वालिफाई था तो ऑलमोस्ट किए ही थे। अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ का सेक्शन आपको कैसा लगा? हार्ड था, मॉडरेट था? ठीक ही था, ज्यादा इजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था। कुछ थीम बताना चाहेंगे? इस थीम से थे, परसेंटेज से थे, प्रभु लोग से थे? मैथ के तो नहीं बता सकती, उसमें ज्यादा क्वेश्चन परसेंटेज वगैरह से ही थे, और रीजनिंग में भी ठीक थे। रीजनिंग तो नॉर्मली थी वैसे। रीजनिंग में किस थीम क्या थी? रीजनिंग में सीरीज थे, ज्यादा क्वेश्चन सीरीज से ही थे। जीएस में ज्यादा करंट थी और करंट का वेटेज ज्यादा था। तो तैयारी आपने कहाँ से की? आरडब्ल्यूए। ऑनलाइन कोर्स लिया था या ऑफलाइन? मैंने ऑनलाइन। और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाए? ऑनलाइन। ऑनलाइन तो कितने टाइम में आपने एग्जाम को कर दिया था? मेरा 5 मिनट पहले हो गया था। अभी जो और स्टूडेंट आ रहे हैं वो किन किन पॉइंट को ध्यान में रख के आए, जो गलती ना करें, अगर तुमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो उनसे ना हो? करंट अच्छे से कर ले और स्टैटिक, इंग्लिश तो सिनोनिम वगैरह ही आएंगे, वो कैब ज्यादा आएगी, और बस जीएस में तो करंट ही ज्यादा है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? रोशनी कुमारी। कहाँ से आप? बदरपुर। कैसा रहा आज? पेपर बहुत अच्छा था, इजी था। मैथ की बात करूँ तो मैथ का कैसा? मैथ्स का भी सही था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने सारे किए, बाकियों का पता नहीं। अगर बात करूँ रीजनिंग को लेकर तो रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन? रीजनिंग में भी ओके था, मतलब ये नहीं कह सकते कि टफ है, बट ठीक था, पेपर अच्छा था। इंग्लिश में? इंग्लिश भी ठीक था, बेसिक क्वेश्चंस थे सारे। अगर बता पाएंगे क्वेश्चन की थीम क्या थी? क्वेश्चन की थीम जो बेस होता है ना 6 से 9 के बीच का, वही था। अगर जीके की बात करूँ तो जीके में अगर किस चीज का बेटे ज्यादा रहा, किस सेक्शन का? हिस्ट्री, ज्योग्राफी? हिस्ट्री का थोड़ा ज्यादा था। क्वेश्चंस बन रहे थे हिस्ट्री के, आप मान सकते हैं 25 में से 10 तो हिस्ट्री के बन रहे थे। हाँ। अंशिका। कहाँ से आप? सोनीपत। आज का ऑल ओवर एग्जाम कैसा रहा था? हार्ड रहा, मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट था। अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ का लेवल क्या?
मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई था। अगर जैसे एक थीम पे क्वेश्चन अगर बता पाओ इस थीम से ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट और एडवांस मैथ भी था। अगर परसेंटेज से परसेंटेज से तो हां परसेंटेज थे, दो तीन क्वेश्चन परसेंटेज से थे। अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग से क्या रीजनिंग इजी थी। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे दो तीन, तो और कोडिंग डिकोडिंग थी, नंबर नंबर वाइज होते हैं ना वो वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। ऑल ओवर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने ऑल ओवर अटेम्प्ट किए हैं, फर्स्ट सेक्शन में मैंने रीजनिंग पूरी कंप्लीट की है, मैथ में मैंने कम किए हैं हाँ, और सेकंड सेक्शन में मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया है बट जीएस में मैंने कमी की है। जीएस की बात कर लो, जीएस में कैसा? जीएस में नृत्य ज्यादा थे और नृत्य से संबंधित जैसे कोई भी पर्सन है उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन किए गए थे। कोई बुक से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड? बुक से रिलेटेड था, जैसे कि हमारे वे हैं जैसे ये दिलीप कुमार है, इनके बारे में पूछा था, बस एक ही क्वेश्चन था। बात करें अगर साइंस की बात करें तो साइंस से कितना वेटेज था? साइंस से बस दो या तीन क्वेश्चन थे, प्रोटीन विटामिन से क्वेश्चन थे बस। सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहा था? किसमें? जीके में। जीके में सबसे ज्यादा वेटेज था हिस्ट्री का। अगर करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर कब? करंट अफेयर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बस, ज्यादा नहीं था। आप ये पहला अटेम्प्ट है, इससे पहले कोई एग्जाम दिए हैं? पहले एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? हाँ मेरे में आई थी प्रॉब्लम, अचानक से पता नहीं कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गई थी, बट उन्होंने मेरे लिए दो तीन मिनट एक्स्ट्रा रखी फिर बाद में। जो न्यू एस्पिरेंट हैं अभी वो उनका जो पहला अटेम्प्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, तो उन्हें किन किन बातों को ध्यान रखना है? मतलब ध्यान तो उन्हें ये है कि अपनी पूरी तैयारी रख के आनी चाहिए। हाँ मतलब तैयारी अपनी पूरी रखनी चाहिए, बाकी तो पेपर ही बता सकता है कि कैसा हो सकता है और कैसा नहीं। थैंक यू सो मच। डगरपुर बागपत से। कैसा रहा आज का एग्जाम? कैसा एग्जाम? बिल्कुल मॉडरेट था, इजी था, ज्यादा टफ नहीं था बिल्कुल भी। मैथ की बात करूं तो मैथ किस लेवल? मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के थे, लेकिन सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, इजी के बिल्कुल इजी थे वैसे। हां टाइम टेकिंग था। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में किस तरीके की जाते हैं? रीजनिंग भी बहुत इजी, ज्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। एक आध थीम बतानी चाहेंगे कि इस थीम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे? मेनली एवरेज चैप्टर से मैथ्स के और डीकोडिंग कोडिंग रीकोडिंग से रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा थे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे जो टाइम ज्यादा ले रहे थे सॉल्व करने में। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल लॉजिकल वर्ड्स थे, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश आई थी। कोई मिस वर्ड यूज करने के लिए आए? स्पेलिंग एरर थे और ये प्रीपोजिशन वगैरह यही थे बस, ज्यादा कुछ। अगर जीके की बात करूँ तो जीके में किस पोर्शन को ज्यादा ध्यान लगाया था? साइंस से, हिस्ट्री या फिर सिविक्स को, पॉलिटिकल साइंस से लेके ज्यादा क्वेश्चंस। करंट अफेयर को लेकर? हाँ करंट अफेयर्स को लेकर भी। आपका कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट था। कोई प्रॉब्लम आई आपको? नहीं ज्यादा तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।